आज के हमारे वीडियो ऑफ द डे का टॉपिक होगा वर्क एंड एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कोई मोशन प्रोड्यूस कर देता है तो इसे बोलते हैं हम वर्क। इसके लिए सबसे सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं इसे। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्स से इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता तो यहाँ पर वर्क होगा आपका जीरो। अब मान लीजिए कि ये जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस कर देता है तो इसे बोलेंगे हम वर्क। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स अगर मोशन प्रोड्यूस कर दे तो वो है आपका वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कि जितना आपने फोर्स लगाया था वो और जितनी दूरी तक लगाया था, जितनी डिस्टेंस तक आपने उस फोर्स को लगाया था, इसके मल्टीपल को हम बोल देते हैं वर्क। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला रहता है डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इनटू एस, जहाँ डब्ल्यू आपका वर्क है, फोर्स आपका एफ और डिस्टेंस आपका एस। अगर मान लीजिए कि जो आपका वर्क है कोई बॉडी थीटा आपके एंगल से मूव करती है, तो हो सकता है कभी ऐसा नहीं कि एक लीनियर फॉर्म में ही लगे, कभी कभी एक एंगल से भी लग सकता है फोर्स, तो उस कंडीशन में आपके वर्क का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है और वो होता है W इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू एस। यानी कि वहाँ पे cos थीटा जितना भी एंगल दिया होगा लगा देंगे और वैल्यू को हम निकाल लेंगे। अब हम जानेंगे कुछ खास बातें वर्क के बारे में। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और वर्क सिर्फ जब ही किसी ऑब्जेक्ट पर होगा जब फोर्स उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस कर देगा। अगर फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं करता तो कोई वर्क नहीं होगा, वर्क जीरो रहेगा। अब हम जानेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क होता है। तो देखिए, मान लीजिए, इसके लिए सबसे सिंपल सादा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। तो अब किसी ऑब्जेक्ट को आप जब नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं तो ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती है। जैसे कि देखिए, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो ग्रेविटी नीचे खींचती है। तो होता क्या है कि इस ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि कोई फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो उसे ऊपर खींचेगा। अब जो वर्क होगा बॉडी को ऊपर उठाने में वो उस बॉडी के वेट के और वर्टिकल डिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट था, रखा हुआ था मान लीजिए अर्थ पर, आप उसे ऊपर उठा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे खींचेगी। तो आप जब उसे ऊपर उठा रहे हैं तो आपका जो वर्क होगा उसकी वैल्यू उस बॉडी के वेट के और उसके वर्टिकल डिस्टेंस के मल्टीपल के बराबर होगी। तो वर्क हमारा W इक्वल्स टू, हम जानते हैं वेट ऑफ बॉडी होता है mg और वर्टिकल डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि वो h था। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू m इंटू g इंटू h, यानी W इक्वल्स टू mgh। अब हम जानेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वर्क करने की जो पावर होती है उसी को हम कहते हैं एक तरह से एनर्जी। वर्क और एनर्जी इक्वल रहते हैं हमेशा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क, हमेशा दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। एसआई यूनिट इसकी रहती है जूल, एनर्जी की भी जूल रहती है और आपके वर्क की भी जूल रहती है, क्योंकि ये दोनों बराबर ही रहते हैं। अब एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम जानेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स। तो एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, फिर होती है आपकी केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपकी आठ मेन आपकी एनर्जी होती हैं, मेन फॉर्म एनर्जी होती हैं, जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम हर रोज़ अपलोड